आज के मेहमान अविनाश गोरक्षकर का रुख करते हैं। अविनाश जी, जिस तरीके का आज बाजार नजर आया, काफी ज्यादा हमने देखा टेंशन थी बाजार में, बाउंस बैक होने में आपको लगता है कितना टाइम लग सकता है? दूसरा, अगर माने अब हफ्ते भर की किसी को खरीदारी करनी है तो कहां पर खरीदारी करना अभी सही रहेगा? स्वाति, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स का जो सेंटिमेंट है उसको शायद और 2-3 दिन लगेंगे, और मुझे लग रहा है कि आने वाले वेनसडे थर्सडे से होपफुली थोड़ा बहुत मार्केट सेटल होने की संभावना लग रही है। जो सेफेस्ट सेक्टर अभी लग रहा है, जो थोड़ा कम गिरा है और मुझे लग रहा है जहां पे हेडविंड्स पॉजिटिव है, वो आईटी सेक्टर है। और यहाँ पे हमको इन्फोसिस पसंद है। हमको लग रहा है कि इन्फोसिस करीबन 977 का रेट है, अगर यहाँ से कोई खरीदता है तो करीबन 4-5% का मूव करीबन 1020-1025 एक आने वाले 5-6 दिन के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पे 952 का स्टॉप लॉस लगा है, और मुझे लग रहा है ये सेक्टर में डेफिनेटली जिस प्रकार की करेंसी भी वीक हो गई है, प्लस जिस प्रकार से पॉजिटिविटी डिजिटाइजेशन पे आ रही है, मुझे लग रहा है कि इंफोसिस एक सेफ काउंटर रहेगा। तो ये पोजिशनल व्यू पे डेफिनेटली खरीदा जा सकता है, क्योंकि मोर ऑर लेस मुझे लग रहा है कि इसमें ज्यादा गिरने के चांसेस कम है और रिस्क रिवॉर्ड ऊपर के लेवल पे ये इन्वेस्टर्स को काफी अच्छी तरह से दे सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली इंफोसिस पे नजर। तो इन्फोसिस पर हफ्ते भर की खरीदारी के लिहाज से नजर रखने और खरीदारी करने की सलाह दे रहे हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश जी। आप बताइए, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल, आपकी क्या राय है इन दोनों पर ही? किसी के पास अगर है तो अभी उनको क्या करना चाहिए? इस खबर के बाद कुछ संकेत मिलते हैं? स्वाति, मुझे लग रहा है कि टेलीकॉम स्पेस में क्लियरली डिओपोली मार्केट हो चुका है, और आइडिया ऐसे स्थिति में है जहां पे हर क्वार्टर वो करीबन 5.5-6 हजार करोड़ का घाटा रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये जो पोस्टपेड प्लान रिलायंस का आया है, इसका सीधा जो सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा वो वोडाफोन पे आएगा। तो वोडाफोन को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, हालांकि ये पेनी स्टॉक है, और अगर खरीदना ही है तो भारतीय एयरटेल खरीदिए, क्योंकि ऊपरी लेवल से काफी टूट चुका है। 550 के लेवल से करीबन 420-425 हुआ है, और मुझे लग रहा है कि भारती में डेफिनेटली उतना कैश फ्लो और मार्केट शेयर का स्ट्रेंथ है कि वो ये पोस्टपेड ऑफर फाइट कर सकती है। ऑलरेडी उन्होंने एजीआर का 10% जो पेमेंट है वो भी ऑलरेडी कर चुका है, तो स्टॉक पे कोई अभी एजीआर का हैंगओवर नहीं है। मुझे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर में होपफुली अगर 5-10% अगर टैरिफ बढ़ते हैं, जो कंपनी के मैनेजमेंट ने भी कहा है कि वो जल्दी करेंगे, तो स्टॉक में अच्छी रीरेटिंग देखने को मिलेगी। तो मुझे लग रहा है कि ये पूरी तरह से नेगेटिव फैक्टर इन कर चुका है, और यहाँ से जो मूव आएगी वो काफी सिग्निफिकेंट आएगी। तो भारतीय एयरटेल को करंटली इस लेवल से खरीदना मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी बात रहेगी, क्योंकि करीबन 550-600 रुपए का नियर टर्म का टारगेट तो बनता ही है, तो यहाँ पे डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। तो भारतीय एयरटेल पर हमारे आज के एक्सपर्ट भी काफी बुलिश हैं और उसमें खरीदारी की राय भी दे रहे हैं। अविनाश जी, अपोलो हॉस्पिटल्स में इन लेवल्स के साथ क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में जिस प्रकार से उछाल इस स्टॉक को दिया है वो ज्यादातर इनके फार्मेसी बिजनेस को लेके है। हॉस्पिटल बिजनेस, जैसे सभी को पता है कि पहले तिमाही में थोड़ी कमजोरी देखने को मिली थी, क्योंकि लॉकडाउन का इम्पैक्ट था। हमको लग रहा है कि Q2 डेफिनेटली Q1 के हिसाब से काफी अच्छा रहेगा, और जिन निवेशकों को यहाँ पे इन्वेस्ट करना है थोड़ा सा लंबा समय रखे, क्योंकि हॉस्पिटल स्टॉक्स में हमने देखा है कि जो बिजनेस है वो काफी कैपिटल इंटेंसिव है, और यहाँ पे डिस्पाइट द फैक्ट दैट अपोलो हॉस्पिटल मार्केट लीडर है, काफी जल्दी और काफी सिग्निफिकेंटली भाग चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर होगा, लेकिन अगर 6 से 12 महीने की अवधि है तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी 15-16% की अपसाइड पॉसिबल है। तो इसको ग्रेजुअली एक्युमुलेट करिए, और हो सके तो बाय ऑन डिक्लाइन करिए, यहाँ पे मौके जरूर मिलेंगे अच्छा पैसा बनाने के। तो अपोलो हॉस्पिटल्स पर लंबी अवधि का नजरिया रखना चाहिए, ऐसा अविनाश जी कह रहे हैं। अविनाश जी आपके पास आएंगे और आपकी लंबी अवधि की पिक भी हम थोड़ी देर में लेने वाले हैं। अविनाश जी आपका रुख कर रहे हैं लॉन्ग टर्म खरीदारी, माने साल भर का नजरिया है, कहां पर खरीदारी की सलाह देंगे आप? इनफैक्ट स्वाति, हमने एक फार्मा सेक्टर चूज किया है और एक छोटी कंपनी सिलेक्ट की है जिसका नाम है मार्क्सन फार्मा। ये मार्क्सन फार्मा बेसिकली ग्लेनमार्क की एसोसिएट कंपनी है, और कंपनी ज्यादातर फॉर्मुलेशंस और ओटीसी प्रोडक्ट्स में ऑपरेट करती है, और इनका मेन मार्केट न्यूजीलैंड, यूके और यूरोप है। कंपनी ने बहुत ही दमदार नंबर्स पहले तिमाही के लिए डिक्लेयर किए हैं, करीबन 50 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, जो पिछले साल पूरे साल के लिए 120 करोड़ था। हमारा मानना है कि सेकंड क्वार्टर भी बहुत ही दमदार आएगा, और स्टॉक करीबन 60 लेवल के करीबन वो लेवल से अभी करेक्ट हो गए, 45 पे मिल रहा है।
इस साल करीबन 4.5-5 रुपए की अर्निंग आने की एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे लग रहा है कि फार्मा स्पेस में ये काफी वेल पोजिशन कंपनी है, काफी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है और रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में, तो इसको इस लेवल पे खरीदा जाए। हमको लग रहा है 6 से 12 महीने में करीबन 58 से 60 रुपए का टारगेट प्राइस मिल सकता है, और मुझे लग रहा है कि मिड कैप स्पेस में काफी फ्लेवर भी है, तो इसमें डेफिनेटली एक अच्छा इन्वेस्टमेंट चॉइस बन सकता है। लंबी अवधि की खरीदारी मैक्सन फार्मा में करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की।